1000 करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में मैं आप सबका गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत होगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा कि खास तौर पर पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम, पंजाब एंड हाईकोर्ट क्लर्क एग्जाम, इसके अलावा एनटीपीसी एंड एसएससी एंड ऑल अदर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगी। आपको मैं इतना यकीन से कह सकता हूं कि इस सीरीज को अच्छे से देखिएगा और इसका हम लोग पीडीएफ भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। सभी सेशंस टाइम टू टाइम देखा करें और आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो भी सेशन लेके आते हैं उसके बीच में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं। आप में से कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि पीडीएफ नहीं मिलता, तो इसके लिए डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपको हमारी वेबसाइट है www.gilzmentor.co.in पर विजिट करना होगा। वहां पर आप डेली में करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में जीके चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग डेली आपके लिए करंट अफेयर्स आपको शेयर करते हैं, आपके साथ में शेयर करते हैं। गिल्ज मेंटोर सरकारी नौकरी की सबसे पहले स्टिक जानकारी भी देता है। आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से जानकारी आती रहे, इसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों की डेली क्लास इवनिंग और मॉर्निंग समय के अंदर होती है, आप देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इवनिंग के समय के अंदर टाइम बना लीजिए कि डेली आप क्लास देखें, ठीक है। मैं इस क्लास के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि करंट अफेयर के सेशन आप सबको ध्यान है कि अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होंगे तभी आपको इसके ज्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होंगे। और आपने किसी भी बताना चाहूंगा कोचिंग से, किसी मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, ऑनलाइन ई लर्निंग से अगर आपने करंट अफेयर पढ़ रखा है या पढ़ रहे हैं तो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको एहसास होगा कि आप किस लेवल की तैयारी कर चुके हैं, आपको कितना और हार्डवर्क करने की जरूरत है, क्योंकि आगे एग्जाम्स बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए स्क्रीन पर दिया गया पहला क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेन क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बहुत आसानी के साथ बताता चलूंगा। मेरे साथ कोशिश करें कि आप इनको अच्छे से रिपीट कर लें। व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च बाय फेसबुक टू एम्पावर इन वुमन, राइट, इन वुमन को एम्पावर करने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फेसबुक के द्वारा कौन सा एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम क्या है? गोल, राइट। गोल की फुल फॉर्म क्या बनती है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देना चाहता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में डेफिनेटली अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इनको अच्छे से कवर कर लें। साथ में कुछ चीजें आपको रिपीट करवाता चलूंगा। फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया के अंदर, इसके जो सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, आपको याद रखना होगा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस पर मिशन केंद्रित करते हुए सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने 5 स्टेट में इस स्कीम को शुरू करने की स्कीम रखी गई है, राइट। और इसमें क्या है कि जो मैं कहना चाहता हूं कि जो ट्राइब गर्ल्स हैं उनको लीडर बनाने के लिए, यहां पर ये एक कम्युनिटी के बेस पर उनको लीडर बनाने के लिए ये एक ऑनलाइन है गोल स्कीम जो इसमें काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 104 पर देखते हैं, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 13वां सम्मेलन, राइट, किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा कि इसका जो सही आंसर होगा, गुजरात इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात इज द राइट आंसर होगा। यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ इसके सीएम है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मुख्यमंत्री है, और कल्याण सिंह यहाँ के कौन है? गवर्नर है। हरियाणा की बात करते हैं, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के कौन है? सीएम है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसीलिए मैं बार बार रिपीट करवाऊंगा। और यहां याद रखना सत्यदेव नारायण आर्य यहां के कौन है? गवर्नर है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, ममता बनर्जी यहां के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। और आपको त्रिवेदी यहां के ध्यान रखना कि आपको क्या, गवर्नर है। गुजरात की बात करते हैं, विजय रूपानी यहां के सीएम हैं, और ओपी कोहली यहां के कौन है? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देना गवर्नर है, राइट। तो महाराष्ट्र के बताना है देवेंद्र फडणवीस यहां के कौन है? सीएम है। और यहां के गवर्नर का नाम आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम जारी की थी, घोषणा की थी कि ग्रेट इंडियन बर्ड्स, ठीक है, जीआईबी जिसे कहते हैं, कि अगले साल गुजरात में आयोजित होने वाले प्रवासी प्रजातियों के लिए इसमें एक कन्वेंशन की पार्टियों के 13वें सम्मेलन का एक शुभारंभ होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और इसके बाकी क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पहले और सेकंड सेशन में कवर करवा चुका हूं। अगर आपने सेशन नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 में क्या कहा है? भारत के चुनाव आयोग ने मतदाताओं के नाम और नए पंजीकरण आगामी आम चुनावों के लिए वोटर आईडी कार्ड में बदलाव या सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता देना चाहता हूं कि इसके लिए होगा कि वोटर वेरिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम चलाया गया है। और मैं अब आपसे पूछूंगा कि भारत बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन भारत के कौन है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो पेपर में डेफिनेटली आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भारत के चुनाव आयोग ने मतदाताओं के नए पंजीकरण परिवर्तन और आगामी चुनावों में वोटर आईडी कार्ड में सुधार के लिए यानी एक जो प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम क्या है, VVIP, आपको ध्यान होगा इसके लिए बहुत बड़ा हल्ला उठा था, राइट। और इसकी फुल फॉर्म क्या है कि वोटर वेरिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में क्या कहा है कि प्रत्येक साल 12 फरवरी को इनमें से कौन सा दिन मनाया जाता है, 12 फरवरी के दिन बताना है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन यहां पर आपको नीचे ऑप्शन नंबर डी है तो आप इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, राइट। बाकी जहां तक बात आती है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करते हैं तो ये होता है 2 फेब को। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स गर्ल्स इन साइंस के लिए आपको ध्यान रखना है कि 11 फेब है। 13 फेब को वर्ल्ड रेडियो इसमें डे मनाया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं पेपर के इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां तक क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्ल्ड कैंसर डे है, ये मनाया जाता है 4 फेब को, राइट। तो मैं चाहूंगा कि इसके एडिशनल फैक्ट भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पेपर के लिए और भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 10 फरवरी को राष्ट्रीय जो एक दिवस मनाया जाता है इसके रूप में, मुख्य जो इसका उद्देश्य है स्कूल के अंदर और आंगनबाड़ी केंद्र है जहां पर 1 से लेकर 19 साल के उम्र के बच्चों को उनके लिए स्वास्थ्य सुधार करना। और भारत सरकार ने 2015 में ये पहल की शुरुआत की थी और ये स्कीम आगे भी जारी है। और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने 11 फरवरी 2015 को, यानी मैं कहना चाहता हूं कि ये आपको ध्यान होना चाहिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमन एंड गर्ल इन साइंस के रूप में ही मनाया जाता है। और जिसकी थीम 2019 की क्या है, इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ, ये इसकी रखी गई है थीम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए भारत ने किस देश के साथ पहल शुरू की है, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रशिया, नॉर्वे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि नॉर्वे, वियतनाम, भूटान एंड पाकिस्तान। तो इसमें से बताना है सही आंसर क्या होगा, तो नॉर्वे इज द करेक्ट आंसर। रशिया की बात करते हैं, मॉस्को यहाँ की कैपिटल सिटी है और रूबेल यहाँ की करेंसी है। नॉर्वे की बात करते हैं, ओस्लो यहाँ की कैपिटल सिटी, करेंसी आपने बताना है। वियतनाम की कैपिटल करेंसी बताना है। भूटान की बात करते हैं, थिम्पू यहाँ की क्या है, कैपिटल है। और पेपर में बताना चाहूंगा कि आपको मैं पिछली सीरीज में बता चुका हूं तो आपने करेंसी बतानी है। पाकिस्तान की बात करते हैं, इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है, रुपया यहाँ की करेंसी है। यहां पर बात करते हैं, थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नॉर्वे के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर एक भारतीय समुद्री प्रदूषण पहल की स्थापना के लिए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। नॉर्वियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ इंडियन एंड नॉर्वियन गवर्नमेंट एग्री टू वर्क मोर क्लोजली ऑन द ओशियन बाय साइनिंग MOU एस्टैब्लिशिंग द इंडियन नॉर्वे ओशियन डायलॉग, राइट। तो ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी होंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 में, देखते हैं क्या पूछा गया, किस देश ने न्याय में सुधार के लिए बनाई गई एक कार्यवाही के हिस्से के रूप में हिंदी को अपनी अदालतों में इस्तेमाल किए जाने वाली तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में फैसला शामिल करने का फैसला किया है, ठीक है। यूएई, ओमान, अबू धाबी, कुवैत, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा अबू धाबी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छी, ये पर्टिकुलर में बात करूं तो यहां पर अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जहां तक बात आती है कैपिटल की, यूएई की बात करते हैं तो आपने बताना है इसकी कैपिटल और करेंसी क्या है। ओमान की जहां तक बात आती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं कि मस्कत यहां की कैपिटल सिटी है, ओमानी रियाल यहां की करेंसी है। और जहां तक बात आती है कुवैत की, कुवैत सिटी इसकी कैपिटल सिटी और कुवैती इसकी क्या है, करेंसी है, राइट। तो आगे बढ़ लेते हैं और इससे पहले हम देखेंगे थोड़े से इसके एडिशनल फैक्ट के हैं। अबू धाबी ने हिंदी को अपनी अदालतों के अंदर इस्तेमाल होने वाली तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने का फैसला लिया है। अरबी और अंग्रेजी इसके साथ पहले थी, अब यानी हिंदी भी इसके अदालतों में, जिसे हम ADJD कहते हैं, के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में क्या कहा गया, किस राज्य मंत्रिमंडल ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पूर्णो ए संगमा के बाद तुरा शहर के दिक्की बांडी स्टेडियम का नाम बदलने का फैसला किया है। तो आपको बताना है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नेक्स्ट इज द सिक्किम एंड पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा मेघालय इज द करेक्ट आंसर। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे के सारे, आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है तो ममता बनर्जी यहां के कौन है,
सीएम है ममता बनर्जी का नाम आप सबको ध्यान होगा, सीएम है। और जहां तक बात आती है यहाँ के गवर्नर का नाम, तो श्री केसरी नाथ त्रिपाठी आपको याद रखना होगा, राइट। इसके बाद में कुछ और भी चीजें आपसे निकल के आती है, तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ साथ में आप धीरे धीरे बोला करें। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम बिप्लब कुमार देब है और यहां के गवर्नर का नाम है श्री कप्तान सिंह सोलंकी, राइट, कप्तान सिंह सोलंकी आप याद रखेंगे मेरे साथ में। जहां तक बात आती है सिक्किम की, तो श्री पवन कुमार चामलिंग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, श्री गंगा प्रसाद कौन है यहाँ के गवर्नर हैं। जहां तक बात आती मेरे प्यारे बंधुओं मेघालय की, तो मेघालय के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है कॉनराड संगमा और यहाँ है इनके गवर्नर का नाम है श्री जिसे हम कहते हैं तथागाटा रॉय, राइट। और मिजोरम की जहां तक बात आती पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं चाहूंगा कि मिजोरम की डिटेल आप कैपिटल, इसकी कैपिटल और करेंसी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दें, राइट। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं कि मेघालय मंत्रिमंडल ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष संगमा के तुरा शहर के दिक्की बांडी स्टेडियम का नाम बदलने का फैसला किया है। 1988 से 1990 तक मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है। क्वेश्चन नंबर 110 में देखते हैं, पीएम ने 1178 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला भारतीय स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की रणनीति पेट्रोलियम रिजर्व जिसे एसपीआर का उद्घाटन कहां किया था, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि एसपीआर क्या है, तो आपने स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व बताना है, और आईएसपीआरएल के बारे में पूछा जाए तो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बारे में बताना है, राइट। तो बताना है इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा, तो आपको बताना चाहूंगा कि विशाखापट्टनम इज द करेक्ट आंसर। अब इसके एडिशनल फैक्ट थोड़े देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने लगभग 1.33 मिलियन जो मैं कह सकता हूं मेट्रिक टन विशाखापट्टनम स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व जिसे हम एसपीआर कहते हैं, उनमें टोटल 1178 करोड़ रुपए का बजट देकर इसके विकास में आगे बढ़ोतरी की स्कीम रखी है, ठीक है। मोदी ने कृष्णापट्टनम में भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसे हम बीपीसीएल कहते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा, राइट, इसके लिए एक नई टर्मिनल की स्थापना की आधारशिला रखी है, इसे 700 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनाया जाएगा, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के सीएम, अरुणाचल प्रदेश के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा एक समर्पित डीडी चैनल का नाम बताना है, कौन सा चैनल है, इसमें से अरुणोदय है, अरुण प्रभा है, नेक्स्ट है अरुण किराना है, अरुण दर्शन है, इनमें से कोई नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुण प्रभा इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और इसके एडिशनल फैक्ट भी थोड़े से साथ में पढ़ते चलते हैं, आप अपने आंसर जरूर चेक करते चले साथ में। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के लिए एक समर्पित 24 घंटे चलने वाले सैटेलाइट चैनल डीडी अरुण प्रभा लॉन्च किया है, और ये पेपर में पूछा जाएगा कि डीडी अरुण प्रभा किस स्टेट के लिए लॉन्च किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश आपने बताना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीजें इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं चाहूंगा कि आप हर एक पॉइंट हर एक चीज को अच्छे से नोट रखें आप, ठीक है, और आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। जहां तक बात आती यहां के सीएम की, तो श्री पेमा खांडू यहां के सीएम हैं, रिटायर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा यहां के गवर्नर हैं, राइट, तो ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 112 के, भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू भूटान। पेपर के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि थिम्पू यहां के कैपिटल सिटी है, करेंसी आपने बतानी है, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, रुचिरा कंबोज इज द करेक्ट आंसर। रुचिरा कंबोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, रुचिरा कंबोज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू भूटान, शी इज सर्विंग एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू साउथ अफ्रीका सिंस 2017। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, कैपटाउन यहाँ की कैपिटल सिटी, रेंड यहाँ की करेंसी है, तो ये पेपर में सभी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप सबके लिए बनते जाएंगे। 113 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि इसमें के एजिस ग्राहम बेल अवार्ड 2018 का 9वां एडिशन किस बैंक ने जीता है, ठीक है, विच बैंक विन 9th एडिशन ऑफ एजिस ग्राहम बेल अवार्ड 2018, SBI, उसके बाद में आपको दे रखा है नेक्स्ट एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC या PNB बैंक। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा कि इसका सही आंसर होगा एक्सिस इज द करेक्ट आंसर। जहां तक बात आती RBI के गवर्नर का नाम आपने बताना है, जिनका एंड का नाम दास है, मैं चाहूंगा कि आप अपने प्लीज इसको रिकॉल करें अपनी मेमोरी के लिए, राइट। जहां तक बात आती SBI की, SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है, रजनीश कुमार इसके कौन है चेयरमैन है, ICICI बैंक का आपने बताना है गवर्नर इसके चेयरमैन और इसका हेडक्वार्टर कहां है। एक्सिस बैंक की बात करते हैं,
मुंबई इसका हेडक्वार्टर, और इसके संजीव मिश्रा हैं वो चेयरमैन है, और अमिताभ चौधरी हैं इसके MD CEO हैं। और इसकी टैगलाइन क्या है कि बढ़ती का नाम जिंदगी है। HDFC की बात करते हैं तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, आदित्य पुरी इसके कौन है याद रखना होगा, CEO है, और वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसकी टैगलाइन है। PNB की बात करते हैं तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देना चाहता हूं कि न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, सुनील मेहता इसके कौन है आपको याद रखना होगा, CEO है, द नेम यू कैन अपॉन राइट। तो ये इसकी क्या है टैगलाइन है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ शेयर करता चलूंगा, कोशिश करें आप हर एक चीज को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए मेरे साथ रिपीट करें राइट। आपको बता देना चाहता हूं कि एजिस जो बेल ग्राहम बेल अवार्ड 2018 है, इसमें क्या है कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है ठीक है, इनोवेशन टू द डेटा साइंस कैटेगरी फॉर देयर इंडस्ट्री फर्स्ट प्रोजेक्ट यस EEEE राइट, जिसे हम क्या कहते हैं एंगेज द एरिंस एक्सल, जिसका नाम दिया गया है 9th एडिशन टू द एजिस ग्राहम बेल 2018 का अवार्ड होस्टेड द गवर्नमेंट ने कहा गोवा के अंदर किया था और ये अवार्ड जीता है। पेपर में पूछा जा सकता है कि AGBA क्या होता है, तो आपने बताना है कि एजिस ग्राहम बेल अवार्ड होता है और ये किसने जीता है, तो आपने बताना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं कि आपने इसका सही आंसर देना होगा राइट। तो चलिए गाइस आपके लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आते हैं, जहां पर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के 114 में। आपको बताना है कि पैट पैट कमिंस है जो किस किस देश से है और किस स्पोर्ट से है, तो बताना चाहूंगा क्रिकेट से है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, फास्ट बॉलर है ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है, सुंदर भी है, काफी अच्छे स्मार्ट बॉय है ठीक है। चलिए अब बता देना चाहता हूं कि तेज के बाद पैट कमिंस है, ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के हैं और इन्होंने आपको ध्यान रखा कि इसने वनडे जो टीम हुई थी वनडे टीम के अंदर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है ठीक है। ऑस्ट्रेलियन लीडिंग मैंस द क्रिकेटर विद 156 वोट्स एंड 6 अहेड ऑफ स्पिनर नेथन लियोन हु वाज वोटेड द टेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ द ईयर राइट। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, MRF चैंपियनशिप किस फीमेल ड्राइवर के द्वारा जीती गई है, तो बताना चाहूंगा कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है, जेमी लारा चैडविक आपने याद रखना होगा। और अब इसके एडिशनल फैक्ट पढ़ लेते हैं, जेमी लारा कहां की है, ये इंग्लैंड की है, तो आपको ध्यान रखना होगा कहां की है, इंग्लैंड की है। चेन्नई में सीजन के अंतिम दौर में ट्रिपल जीत हासिल करने के बाद में MRF चुनौती जीतने वाली पहली महिला ड्राइवर बनकर इतिहास रच दिया इसने ठीक है। और अंतिम दौर में चैडविक अगस्त में ब्रिटिश F3 जीतने वाली पहली महिला बनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 116 क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व रेडियो दिवस प्रति वर्ष हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम 2019 में क्या है, तो इसकी थीम क्या है आपको याद रखना होगा, डायलॉग टॉलरेंस एंड पीस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संवाद सहिष्णुता एंड शांति। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, मैं चाहूंगा कि आपको अच्छे से दिमाग में फिक्स करके रखने होंगे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीजें इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड रेडियो डे वॉज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 13th February वॉज द प्रोक्लेम्ड ऑन 3rd November 2018 बाई यूनेस्को, यानी 3 नवंबर 2011 के द्वारा यूनेस्को के द्वारा इसे 13th जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर अनाउंस किया गया था। और आपको यह भी याद रखना होगा कि ऑफिशियली सेलिब्रेटेड इन 2012 के अंदर हुआ है और इसकी थीम आपको याद रखनी होगी डायलॉग टॉलरेंस पीस, मेरे साथ रिपीट करते चला करें साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, इसमें क्या बोला गया, नेशनल वुमेन डे वॉज ऑब्जर्व एनुअली ऑन व्हाट डेट, इन विच डेट ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यार ऐसे क्वेश्चंस तो सदा बार बनते बनते हैं, तो 13th February आपको याद रखना होगा राइट। कौन सा है 13th February, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट। तो थोड़े से इसके एडिशनल फैक्ट भी आप सबको ध्यान रखने होंगे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीजें इंपॉर्टेंट बनती जाती हैं। चलिए गाइस तो इसके एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं क्या है, नेशनल वुमेन डे वॉज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 13th February, दिस डे इज ऑब्जर्व ऑन द डेट ऑफ बर्थ ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमन गवर्नर सरोजनी नायडू के नाम पर यह दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना होगा कि सरोजनी इनका जो बर्थ था 13 February 1879 को हुआ था, हर बर्थ वाज बीन सिलेक्टेड एज ए ऑब्जर्व एज ए नेशनल वुमन डे राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 118 में क्या है, विच सिटी होस्टेड द 7th सेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ मोर देन 4000 पीपल फ्रॉम 140 कंट्रीज। तो पेपर के लिए बता देना चाहता हूं मैं आपको कि किस शहर के अंदर 140 देशों के 4000 से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के 7वें सत्र की मेजबानी की है, दिल्ली, जनेवा, दुबई, वॉशिंगटन DC, सिंगापुर। तो इसका सही आंसर होगा दुबई इज द करेक्ट आंसर।
पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एडिशनल फैक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ 140 देशों के 4000 से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का 7वां सत्र था। सरकार ने शिखर सम्मेलन सरकार और नवाचार के चौराहों पर तटस्थ है, इसमें आपको ये चीजें याद रखनी होंगी, ठीक है। और इसमें क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एट द, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस आपने इसकी थीम और इसका लॉजिक पकड़ के चलना है, खासतौर पर पीपीएससी और यूपीएससी के कैंडिडेट्स हैं जितने भी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन मिस है गाइस, तो मैं आपको 120 बता देता हूं कि इजराइल के मिलियन डॉलर डैन डेविड पुरस्कार जीतने वाले भारतीय इतिहासकार का नाम बताना है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है रोमिला थापर, दूसरा इरफान हबीब, तीसरा रामचंद्र गुहा, एस टी जोशी, नेक्स्ट आपको संजय सुब्रमण्यम दे रखा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। संजय सुब्रमण्यम इज द करेक्ट आंसर। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको अच्छे से याद रखा करें। इसके एडिशनल फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि प्रसिद्ध फेमस है, जो फेमस कौन है भारतीय इतिहासकार जिनका नाम क्या है, संजय सुब्रमण्यम ने शुरुआत में आधुनिक युग के दौरान एशियाई, राइट, यहां पर बता देना चाहता हूं कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ड्यूरिंग द अर्ली मॉडर्न इरा के अंदर, ठीक है, जिसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। इनके बीच में जितनी भी फाइट हुई थी, मुठभेड़ हुई थी, राइट, या मैं कह सकता हूं कि इनके संबंधित जितनी भी खोज थी, इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। इन्होंने इजराइल के प्रतिष्ठित यूएसडी 1 मिलियन डॉलर का पुरस्कार जीता है। मैक्रो इतिहास के उनके काम के लिए पास्ट टाइम डायमेंशन की श्रेणी में उन्हें सरकार के शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर केनेथ पोम मनार्जो के साथ साझा किया। और इंटरनेशनल डैन डेविड पुरस्कार इन लोगों को प्रति वर्ष यानी हर साल दिया जाता है, ये भी चीजें आपको याद रखनी होगी, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन में क्या गया, 2018 के लिए ई वाई इंटरप्रेन्योर का वर्ष किसने जीता है, ठीक है, इंटरप्रेन्योर का वर्ष किसने जीता है। पेपर के लिए चार आपको पांच ऑप्शन दिए गए, रितेश अग्रवाल, दीपक रविचंद्रन, फरिहाद अजीत वाला, श्रवण कुमारन एंड सिद्धार्थ लाल। तो इसका सही आंसर होगा सिद्धार्थ लाल इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से पकड़ के रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इको में पूछे जाएंगे। सिद्धार्थ लाल हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, आइसर मोटर के हैं, तो उनके ही उन्हीं को इसमें दिया गया है। तो आपको बताना चाहूंगा कि इसमें ई ओ वाई अवार्ड की 20वें एडिशन 20th एडिशन के लिए 2018 के ई वाई इंटरप्रेन्योर नामित किया गया है। वह मोंटे कार्लो के ईवाई वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो 6 जून और 8 जून के बीच में किया जाएगा, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 122वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फर्स्ट, जिसे हम लावासिया कहते हैं, मानव अधिकार सम्मेलन 2019 किस शहर में आयोजित किया गया था, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा, तो बता देना चाहता हूं कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर होगा। एसोसिएशन इंडियन के सहयोग से एशिया पैसिफिक क्षेत्र में प्रशासनिक मानवाधिकार क्षेत्र की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाने के लिए लावासिया मानवाधिकार सम्मेलन नई दिल्ली में इसकी आयोजित किया गया, ठीक है, और इसकी थीम भी आपको पेपर में याद रखनी होगी, अगर आपको पूछा जा सकता है इसके लिए तो आपको याद रखना, स्टेट पावर बिजनेस एंड ह्यूमन राइट। तो ये आपको मैं बता देता हूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 में 5वां इंटरनेशनल बाघ सुरक्षा सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, ठीक है, तो ये है 5th इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी, अहमदाबाद, कलकत्ता, भुवनेश्वर, जोधपुर, न्यू दिल्ली। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, भुवनेश्वर इज द राइट आंसर। आपको इसमें एडिशनल फैक्ट कहा गया कि 5th इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2019 इज हेल्ड इन भुवनेश्वर एज द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, द वर्ल्ड बैंक अंडर द एजिस ऑफ द ऑन गोइंग वर्ल्ड बैंक के लिए एक साझा मंच प्रदान करने के लिए कार्यवन एजेंसी और प्रमुख जितनी भी शैक्षिक एजुकेटेड एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर DRIP स्टेट्स में एक वार्षिक हर साल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और किया जा रहा है। इसके अंदर टोटल 5264 यानी जो सबसे बड़े जितने भी डैम हैं उन्हें मिलाकर चाइना और अमेरिका के साथ में तीसरे नंबर पर है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि इसके बाद में भी अगर आपको पूछा जाए तो आपको बता देना है कि 437 लार्ज डैम अंडर द कंस्ट्रक्शन,
क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। किस सरकारी बॉडी ने शिक्षा में प्रणालीगत परिवर्तन दस्तावेज के लिए MSDF के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं, राइट? तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग के चेयर बात करता हूं, सीईओ की अमिताभ कांत है, आरबीआई का आपने बताना है। सेबी की जहां तक बात आती है पेपर के लिए, मैं बता देना चाहता हूं कि इसके सीईओ अजय त्यागी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर आपको सारे एडिशनल फैक्ट दे दिए गए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। पेपर के लिए बता देता हूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे के सारे। नीति आयोग ने भारत में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ काम करने के लिए अपने सामूहिक अनुभवों के आधार पर सार्वजनिक सुधारों में स्कूली शिक्षा में सुधार, सबसे ज्यादा दस्तावेज और साझा करने के साथ में माइकल एंड सुनान डेल फाउंडेशन के साथ में एक साइन किया है, MOU किया है, राइट? और यहां पर आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अलोक कुमार सलाहकार HRD नीति आयोग और ब्रून मोहती प्रबंधक निदेशक इंटरनेशनल MSDF के ने हस्ताक्षर किया है, राइट? क्वेश्चन नंबर 125 में क्या है कि जयपुर राजस्थान में आयोजित आपदा राहत के लिए संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है, राहत है, या मैं कहना चाहूंगा कि आपको शत्रु सेट है, या वज्र है, या गरुड़ है, या विजया है, तो आपको बताना चाहूंगा कि इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राहत इज द राइट आंसर। राजस्थान की कैपिटल सिटी जयपुर है, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, आपको याद रखना होगा, राइट? और इसकी जानकारी आगे क्या है कि व्याम राहत जयपुर राजस्थान में आयोजित आपदा राहत के लिए राजस्थान के जयपुर कोटा अलवर में इसका प्रदर्शन किया गया था। भूकंप जैसी परिस्थितियों के साथ में मॉक ड्रिल भी की गई, जिसमें आपदा राहत कार्यों की कार्रवाई भी थी, और बचाव और अचानक से निकासी के लिए भूकंप की पहली चेतावनी के साथ मॉक ड्रिल में क्या किया जा सकता है, जिसमें कि जैसे हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 126 है कि भारत का पहला एका मेगा फूड पार्क किस राज्य में चालू किया गया है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। तो पॉइंट ऑफ व्यू से बता देना चाहता हूं कि मैं आपको इसके एडिशनल फैक्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल हरसिमरत कौर बादल कमीशन, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना होगा कि गोदावरी जिले के भीमावरम मंडल में, भीमावर मंडल के डुडूरू गांव में गोदावरी मेगा एका फूड पार्क की स्थापना की, और इस पार्क का प्रचार, इस जो पर्टिकुलर पार्क की बात करें कि गोदावरी मेगा एका फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है, राइट? और यहां पर 122.60 करोड़ की लागत से टोटल 57.81 एकड़ के अंदर मार्ग की स्थापना की गई है, तो आपको बजट का अमाउंट भी याद रखना होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु लोगों के लिए एक सार्वभौमिक वृद्धा पेंशन योजना स्कीम शुरू की है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर MVPY कहते हैं, ये घोषणा की है, कौन सा ऐसा स्टेट है, वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम, तमिलनाडु, गुजरात, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिहार इज द राइट आंसर। नीतीश कुमार यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री हैं, तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीजें याद रखनी होगी। इन्होंने यहाँ पर 60 साल से ज्यादा उम्र के लिए 400 रुपए का क्या रखा है, स्कीम रखी गई है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 128 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, स्वर्ण रेखा बंदरगाह के किस राज्य में है, ठीक है, तो आपको सुवर्ण पोर्ट इज गोइंग टू कम अप इन विच स्टेट, किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, कर्नाटका, एंड नेक्स्ट इज गिवन ही कर्नाटका, गुजरात, राइट? तो इसका ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट होगा, उड़ीसा इज द राइट आंसर, ठीक है। अब मैं आपको चाहूंगा कि इन सभी के गवर्नर और इनकी CM भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, ठीक है। चलिए, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सुब्रमण्यम स्वर्ण रेखा बंदरगाह पोर्ट इन द बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। पेपर के लिए संदर्भ में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशियंट है, और यहां पर बता देना चाहता हूं कि बंदरगाह का विकास जो है टाटा स्टील एंड क्रिएटिव पोर्ट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, और इस लिमिटेड द्वारा 51 और 49 का दाम मालिक होगा, और पोर्ट का निर्माण की लागत में अनुमान लगभग 5000 करोड़ रुपए है, और पटनायक ने ताल सारी समारोह में भाग लेकर बालासोर के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की, और जिसमें माना जाता है कि यहां पर यूथ के लिए ही रोजगार पैदा होगा। 129 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर एक दक्ष पुराने विवाद को समाप्त करने के लिए कागज पर अपना नाम बदल लिया, और जिसे नाटो की सदस्यता का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता देना चाहता हूं कि सभी की सभी कैपिटल इनकी करेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, करेंसीज की, राइट? इसका सही आंसर होगा, पेपर के संदर्भ में बता देना चाहता हूं,
कि मैकडोनिया इज द करेक्ट आंसर है। मैकडोनिया की जहां तक बात आती है, इसकी कैपिटल सिटी की बताना चाहूंगा कि स्कोपजे इसकी कैपिटल सिटी है और मैकडोनियन डिनार इज द कैपिटल सिटी है। साइप्रस की जहां तक बात आती है तो पेपर के संदर्भ में बता देना चाहता हूं कि यहां पर है निकोसिया इसकी कैपिटल और यूरो यहां की करेंसी है। मोल्डोवा की जहां तक बात आती है, किसी नाव इसकी कैपिटल सिटी और मोल्डोवियन लियो इसकी करेंसी है। और जहां तक बात आती है कोसोवो की बात बताना चाहता हूं कि प्रिस्टिना इसकी कैपिटल सिटी और यूरो यहां की करेंसी है। मोंटेनेग्रो की बात करते हैं तो पोडगोरिस्का इसकी कैपिटल सिटी और यूरो इसकी करेंसी है। आगे बढ़ते हैं और इसके एडिशनल फैक्ट भी आपको बता देना चाहता हूं कि मैसेडोनिया गणराज्य के रूप में मनाए जाने वाला देश का आधिकारिक तौर पर एक उत्तर मैकडोनिया गणराज्य के नाम का नाम बदलकर अपने पुराने विवाद को समाप्त कर रहा है, जिसे नाटो की सदस्यता का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए और मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय रूप में FYROM मतलब कि आप इसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसकी डिटेल में आपको ऑलरेडी दे रहा हूं फॉर्मर, ठीक है। चलिए और इसके बाद में आपको आगे बता देना चाहता हूं कि 1991 के अंदर 1991 में युगोस्लाविया ने स्वतंत्रता की घोषणा करने के बाद में देश में मैकडोनिया नाम चुना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 में क्या कहा गया है कि ब्रैडली कूपर ने किस फिल्म के लिए पेटा से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड जीता है। कूपर विंस बेस्ट डायरेक्टर फ्रॉम पेटा फ्रॉम विच मूवी। तो इसमें से आपको चार ऑप्शनों के बेस पर बता देना चाहता हूं, स्टार इज बोर्न इज द राइट आंसर होगा और यहां पर होगा अभिनेता है जो एक्टर है जिनका नाम ब्रैडली कूपर है। इन्होंने यहां पर क्या है कि आपको ध्यान रखना होगा पेटा की फुल फॉर्म क्या है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये आपको इतनी लाइन याद रखनी है, सबसे पहले तो आपको इतनी लाइन याद रखनी है, ठीक है। और ये कि ऑस्केट अवार्ड फ्रॉम एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं कि पशु अधिकार संगठन पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने अपने स्टार को ए स्टार यानी मैं कह सकता हूं कि इज बोर्न इन निर्देशक के रूप में ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ अनुकूलित पटकथा और सर्वश्रेष्ठ चित्र में नामांकित में से 8 अंक देकर इन्हें विजेता घोषित किया है। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंडो कनेडियन फिल्म निर्माता का नाम बताएं जिन्हें कनेडियन सिनेमा एंड टेलीविजन एकेडमी का लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया जाएगा। रिचि मेहता, निक्की मेहता, शोन मेहता, दीपा मेहता, इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीपा मेहता इज द करेक्ट आंसर। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें इसमें और भी इंपॉर्टेंट है। कनाडा की बात करते हैं, ओटावा इसकी कैपिटल सिटी, कनेडियन डॉलर इसकी करेंसी है। आगे बढ़ते हैं और इसके एडिशनल फैक्ट हम थोड़े से चेक करने की कोशिश करेंगे। इंडो कनेडियन फिल्म निर्माता दीपा मेहता को कनेडियन सिनेमा एंड टेलीविजन की अकादमी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। मेहता जो कि अपनी एलिमेंट्स ट्रिलॉजी फायर अर्थ और वाटर के लिए जानी जाती है और मई 2012 यानी 2012 के अंदर मेहता को लाइफ टाइम आर्टिस्टिक अचीवमेंट के लिए गवर्नर जनरल के परफॉर्मिंग अवार्ड से प्रदर्शन कला के अंदर कनाडा का सबसे बड़ा जो अवार्ड है उसे उन्हें नवाजा जाएगा। राइट गाइस, तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी। 132 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि नई दिल्ली में आयोजित तीसरा इंडो जर्मन पर्यावरण मंच 2019 में शिखर सम्मेलन का विषय क्या रहा है। तो बता देना चाहता हूं कि इसमें से 5 ऑप्शन आपको दिए गए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्लीनर एयर एंड ग्रीनर इकोनॉमी इज द राइट आंसर होगा। जहां तक बात आती है इसके एडिशनल फैक्ट की, तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर हर्षवर्धन एंड हिज जर्मन काउंटर पार्ट फेडरल एनवायरमेंट मिनिस्टर जिनका नाम क्या है। तो यहां पर बता देना चाहता हूं कि आपको नोट कर लेना है, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आपको ये सभी के सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे बड़ी चीज करंट अफेयर में यही होती है कि आप इनको अच्छे से पकड़ के चलिएगा और यही क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जा सकते हैं। स्वेजा सुलज की अध्यक्षता में तीसरा इंडो जर्मन पर्यावरण मंच नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसकी जो थीम थी वो
क्या थी, क्लीनर एयर एंड ग्रीन इकोनॉमी, राइट। तो ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद में थोड़ी और नीचे हेडलाइन एक इंपॉर्टेंट बनती है, वो ये बनती है कि एक दिन का कार्यक्रम वायु प्रदूषण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रदर्शन के रूप में अर्थव्यवस्था के साथ साथ पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 के आधार पर एनडीसी और एनडीजी के रूप में इसकी चुनौतियां और समाधान के संबंधित ये मंच पर कार्यक्रम किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं कि 133 में क्या कहा गया। 133 नंबर क्वेश्चन है कि आई एंड बी मंत्रालय के तहत मीडिया इकाइयों का पहला वार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। न्यू दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, कैलकाटा। इसका सही आंसर होगा न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर होगा। इसके एडिशनल फैक्ट आपको नीचे दे दिए गए हैं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है जो फर्स्ट एनुअली कॉन्फ्रेंस ऑफ मीडिया यूनिट वॉकिंग अंडर द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री वाज ऑर्गेनाइज एट द विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। विज्ञान भवन कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और यहां की बात करते हैं, पेपर के लिए और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आईसी जिसे कहते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के लिए, राइट। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी होगी। अब देखते हैं कि 2019 की 23 मई के बाद में क्या क्या मिनिस्ट्री और क्या क्या मिनिस्टर चेंज होते हैं, वही रहेंगे, राइट। राज्य की स्वामित्व वाली बिजली कंपनी एनटीपीसी ने किस बैंक के साथ 5,000 करोड़ रुपए के लिए ऋण पर समझौता हस्ताक्षर किया है। पीएनबी बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है, सिंडिकेट बैंक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इसमें फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका सही आंसर होगा एसबीआई इज द राइट आंसर होगा, राइट। एसबीआई इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे पूछी जा सकती है इनके हेडक्वार्टर टैगलाइन। सिंडिकेट बैंक की जहां तक बात करते हैं, मणिपाल कर्नाटका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अजय विपिन इसके कौन है, सीईओ है, आपको याद रखना होगा। इसकी जो टैगलाइन है फेथफुल एंड फ्रेंडली इसकी टैगलाइन है, राइट। और बाकी सभी बैंक्स की आपने हेडलाइन और टैगलाइन इसकी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। और आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कितने आप में से इसके सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी एनटीपीसी के रुपए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के साथ में 5,000 करोड़ रुपए बैंक की 3 माह की एमसीएल के साथ जुड़ी हुई ऋण की सुविधा बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 135 पर देखते हैं क्या बोला गया। मेघालय में राष्ट्रीय खेल 2022 के लिए कौन सा जानवर शुभारंभ होगा, राइट। नेशनल गेम्स 2022 इन मेघालय, एनिमल यहां पर दिया गया है। तो बताना चाहूंगा कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर होगा कि क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है। तो क्लाउडेड तेंदुआ जिसे हम कहते हैं वो आपको याद रखना होगा। मैं एक बार आपको हेडलाइन करवा देता हूं कि स्टेट है और उसके कॉमन नेम है, जैसे ब्लैक बक है और इसे हम साइंटिफिक नेम क्या कहते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आप सबको फटाफट से, क्योंकि टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज के अंदर मैं सिर्फ आपको रिपीट करवाना चाहता हूं, राइट। तो मैं आपको स्क्रीन पर सभी दे रहा हूं और इनके जैसे कि आप एनिमल देख सकते हैं, गुजरात की बात है, फिर इसके बाद में हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश में स्नो लेपर्ड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कश्मीरी स्टैग हो गया जिसे हम हंगुल कहते हैं, झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ इंडियन एलिफेंट हो गया, फिर कर्नाटका के अंदर इंडियन एलिफेंट है और इसके बाद में केरला में इंडियन एलिफेंट है, और इसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर आपको ध्यान रखना होगा जिसमें स्वैम्प डियर कहते हैं, और महाराष्ट्र की बात करते हैं इंडियन गैंट स्क्वायरल हो गया, और इसके बाद में मणिपुर के अंदर संघाई हो गया, और मेघालय के अंदर क्या है, क्लाउडेड लेपर्ड हो गया जिसका अभी मैंने आपसे पूछा था। उसके बाद में मिजोरम है और यहां पर आपको दे रखा है कि हिमालयन स्पैरो दे रखा है, माफ करना सैरो दे रखा है, और नागालैंड की बात करते हैं तो यहां पर क्या गायल है जिसे मिथुन भी कहते हैं, और उड़ीसा की बात करते हैं सांबर हो गया, पंजाब की बात करते हैं ब्लैक बक हो गया, राजस्थान हो गया। कि आपको ध्यान रखना है कि यहां पर क्या है, कि ध्यान रखना ये सबसे बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ड्रोम डेरी कैमल है। इसके बाद में सिक्किम की बात करते हैं, रेड पांडा हो गया, और तमिलनाडु की बात है कि नीलगिरी तहर हो गया, इसके बाद में तेलंगाना की बात है कि स्पॉटेड डियर हो गया, इसके बाद त्रिपुरा हो गया, तो ये आप देख सकते हैं, फिर यूपी हो गया, उसके बाद उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। पेपर के संदर्भ में सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे, एंड अंडमान निकोबार हो गया, इसके बाद में चंडीगढ़, जितनी भी यूटी है, और आप देख सकते हैं सभी के जो एनिमल्स हैं और यहाँ के स्टेट और यूटी के नेम्स भी मैंने आपको दे दिए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना, आप मैक्सिमम टाइम तक नहीं भूलेंगे। मेघालय के राज्य पशु क्लाउड तेंदुआ, जो कि मैं कह सकता हूं कि यहां पर पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लेपर्ड की बात है। राष्ट्रीय खेल 2022 के लिए शुभारंभ जो कि शुभंकर होगा, यह निर्णय पहले राष्ट्रीय खेल 2022 की कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया था और जिसकी अध्यक्षता मेघालय के खेल एंड युवा मंत्रालय है, जिनका नाम के बंती दौर लिंग दो, ठीक है, इनका नेम है। तो ये आपको पेपर में याद रखना होगा, कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 में क्या है कि अनडोटेड सेव द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है।
अनडोटेंड, तो पेपर के लिए इन क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपको याद रखना होगा पी चिदम्बरम इज द राइट आंसर। पी चिदम्बरम इसका राइट आंसर होगा। इसमें क्या कि फॉर्मर जो वाइस प्रेसिडेंट थे हामिद अंसारी ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम नई दिल्ली में पूर्व जो मैं कह सकता हूं कि यहां पर आपको क्या कहा गया कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम के नाम पर यह पुस्तक जो अनडोटेंड है सेविंग ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया है। इस पुस्तक में निबंधों पर एक काफी डिटेल में बता रखा है, तो आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10137। केरल में आयोजित प्रथम निवेशक सम्मेलन है जिसका नाम एशियन 2019 के दौरान ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या था, नाम बताना है आपने, तो इसका नाम क्या है, के एस विफ्ट इज द राइट आंसर होगा, जिसकी फुल फॉर्म आपको दे दी गई है यहाँ पर। 10 फरवरी 2019 को कोची के उद्योग में अनुकूल पहल दिखाने के लिए पहले निवेशक सम्मेलन एशियन 2019 की मेजबानी की है, और सम्मेलन में ऐतिहासिक प्रशासनिक और नीतिगत सुधारों को प्रदर्शित किया गया जिसमें केरल के व्यापार में आसानी हुई और उद्योग के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसे हम के एस विफ्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, यानी केरला स्टेट और आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। पेपर के संदर्भ में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1138 में देखते हैं आगे क्या आपको जानकारी दी गई है, राइट, इसमें कि विलियम बर ने किस देश के अटॉर्नी जनरल के रूप में शपथ ग्रहण की है, अटॉर्नी जनरल ऑफ विच कंट्री, ठीक है, सवाल लिखा है यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, यूरोप, इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन नंबर यूएसए। यूएसए की बात में वॉशिंगटन डीसी कैपिटल सिटी है, और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के कौन है, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेजिडेंट है, माइक नेंस यहाँ के वाइस प्रेजिडेंट है, अमेरिकन डॉलर यहाँ के करेंसी है, राइट। और कनाडा की बात करते हैं ओटावा यहाँ के कैपिटल सिटी है और कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है, जर्मनी की बात करते हैं बर्लिन कैपिटल सिटी, यूरो यहाँ की करेंसी है, और ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। पेपर के लिए कुछ छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर आप सेशन अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। विलियम बर ने दूसरी सेकेंड टाइम में अटॉर्नी जनरल के रूप में यानी ओथ ली है मिस्टर बर को प्रेजिडेंट जॉर्ज एच डब्ल्यू के दौरान 1991 से 1993 के बीच में अटॉर्नी जनरल के रूप में रखा गया था, और बुश का प्रशासन था यानी उस वक्त उनका यहां पर मैं कह सकता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन था, और सीनेट ने अपनी नियुक्ति की पुष्टि के लिए 54 और 45 जो इसमें इलेक्ट का पोल हुआ था उसके तहत ने रखा गया है, और ये टोटल 85th में अटॉर्नी जनरल है किसके, यूनाइटेड स्टेट के। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं, प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले पूछा था और यही उसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुनील चंद्रा इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि इलेक्शन कमिश्नर बताइए तो सुनील चंद्रा आपको बताना है। आगे देखते हैं थोड़ी सी इसकी जानकारी और है यहां पर, देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स चेयरमैन सुनील चंद्रा वॉज द अपॉइंटेड एज ए न्यू इलेक्शन कमिश्नर बाय द प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद। पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और यही छोटी छोटी बातें आपको पेपर में और भी मजबूत बनाएंगे यार, ठीक है, ठीक है। तो आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर आयोग के दो अन्य सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, और चुनाव आयुक्त दूसरे उनका नाम है अशोक लवासा, ठीक है, और इनकी नियुक्ति 6 साल के लिए होती है और 65 ईयर से ज्यादा इनकी एज होने पर रिटायरमेंट हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 में क्या है, नेम द वाइस एडमिरल हु टेक्स ओवर एज चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नोवल कमांड, तो पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, तो एस एन घोरमडे इज द राइट आंसर। एडिशनल फैक्ट थोड़े पढ़ लेते हैं क्या इसमें दे रखा है, एन घोरमडे को 1 जनवरी 1984 के अंदर भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था, और वह नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसे हम एनडीए कहते हैं खड़गवासला पुणे के अंदर, यूनाइटेड स्टेट नेवल स्टाफ कॉलेज और नेवल वॉर कॉलेज और न्यूपोर्ट रोड आइलैंड नेवल वॉर कॉलेज मुंबई में इन्होंने स्टडी की है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इनके बारे में। 141 नंबर क्वेश्चन में एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको बता देना चाहता हूं कि इसका सही आंसर क्या है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अश्विनी लोहानी इससे पहले रेलवे के क्या थे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है, अब रेलवे के अध्यक्ष कौन है आपको याद रखना होगा, बताना चाहूंगा कि यह आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, इसकी जानकारी नीचे आपको दे देगी। रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सुनील लोहानी को एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है, पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और इनका कार्यकाल 2015 से 2017 के बीच में रहा था, और 2017 में रेलवे बोर्ड अध्यक्ष में नियुक्त किए गए थे और 2018 में वहां से रिटायरमेंट ले लिया था।
142 नंबर क्वेश्चन में केरला सरकार ने किस शहर में आरोही 2019 मिलन का उद्घाटन किया है? पेपर के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि इसका सही आंसर होगा कोची। कोची इज द राइट आंसर। तो यहां पर देखते हैं कि केरल सरकार ने कोची में आयोजित 2019 सम्मेलन का उद्घाटन किया है और जिसकी ये थीम आप देख सकते हैं कि ये इसे नाम दिया गया है। केरल सरकार द्वारा आसानी से व्यापार करने में सुधारों के रूप में इसकी नई विधि पहलों पर प्रदर्शन के रूप में इसे आयोजित करने वाले और आगामी क्षेत्रों में बढ़ोतरी देने के लिए इसे एक समागम के रूप में दिया गया है, ठीक है। और इसकी अधिक जानकारी आप इसमें पढ़ सकते हैं। केरल गाइड जारी किया गया। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं जिसे हम सुरेश प्रभु जी ने इसका उद्घाटन किया था। सरकार ने दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका नाम किया कि के स्विफ्ट तेज पारदर्शी मंजूरी। यानी आपको कुछ बताना चाहूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती हैं उनके शुद्ध हिंदी में नाम होते हैं यार, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी। इंटेलिजेंट बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम IBPMs कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं कि भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने ग्रेटर शिमला क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ और विश्वसनीय पेयजल लाने में मदद के लिए कितने मिलियन डॉलर के एक ऋण देने पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहां पर नीचे ऑप्शन दे दिए गए हैं। इसका साइन होगा, इसका राइट आंसर होगा बल्कि 40 मिलियन डॉलर, राइट। तो 40 मिलियन डॉलर इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 114 में क्या कहा गया है। 144 नंबर क्वेश्चन के अंदर भारतीय खेल व्यक्ति प्रजनेश गुणेश्वरन किस खेल से संबंधित है? तो इनका सही आंसर होगा ये टेनिस से संबंधित है, यह आपको याद रखना होगा, ठीक है। इनकी जो पहली बार 90 में से 97 में पोजीशन पर पहुंचे हैं और वह सोमदेव देवर्मन और यूकी बांबरी के बाद में एक दशक के 100 में पहुंचने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। 145 नंबर क्वेश्चन की जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि भारतीय सेना द्वारा नासिक के पास में देवलाली कैंप के लिए वार्षिक अभ्यास का नाम बताएं, क्या नाम था उसका? और इसका नाम था भैया, आपको याद रखना होगा, एक्सरसाइज तोपची। एक्सरसाइज तोपची इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक्सरसाइज तोपची ने अपनी तोपखाने की मार्क क्षमता, ठीक है, और इसमें आपको प्रॉपर जानकारी दे दी गई है। और याद रखिएगा कि नए अल्ट्रा लाइट जिनका नाम होवित्जर M777 और स्वचालित बंदूक के 9 वज्र का स्वदेशी जो हथियार बनाए गए हैं उनका रडार भी यहां पर शामिल करके और इनका इस्तेमाल करके एक्सरसाइज की गई है। क्वेश्चन नंबर 146 में देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गृह राज्य मंत्री ने अधिसूचित किया कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत श्री, राइट, पद्मश्री माफ करना, जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों को शीर्षक नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या एक क्वेश्चन निकल के आया? देखो ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पेपर में इंपॉर्टेंट बन जाएंगे और इसमें आर्टिकल 18(1) के अंदर है, ठीक है। ये बात कब की है? ये बात है 12 फरवरी 2019 को लोकसभा के अंदर एक रिटर्न के अंदर एक पेपर में उत्तर दिया है। गृह राज्य मंत्री हंस राजा गंगाराम अहिर ने कहा है कि राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री जैसे शीर्षक के लिए कोई भी राशि नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 18(1) और इतिहास प्राप्तकर्ताओं के नाम पर उपसर्ग तथा प्रत्यय के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। किसी भी दुरुपयोग के मामले में डिफाल्टर पुरस्कार के सृजन के संबंधित नियमन 10 के अनुसार इसे पुरस्कार, राइट, मैं प्रॉपर आपको इंग्लिश का वर्जन हिंदी में बता रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं यार आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसे पुरस्कार से सम्मानित करेगा जो कहता है कि राष्ट्रपति पुरस्कारों को रद्द या रद्द कर सकता है और इसके बाद पुरस्कार देने वाले का नाम मिटा भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 147 के अंदर देखते हैं क्या आपको जानकारी दी गई। भारत ने समुद्री प्रदूषण के निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता हस्ताक्षर किया? और ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका सही आंसर होगा नॉर्वे। ओस्लो इसकी कैपिटल सिटी, करेंसी आपको बतानी है, राइट। 148 नंबर क्वेश्चन में वीवी गिरी के नेतृत्व वाले विशेषज्ञ पैनल द्वारा निर्धारित न्यूनतम राष्ट्रीय मासिक वेतन कितना है? वीवी गिरी के तौर पर बात करूं तो इसका सही ऑप्शन होगा 9,750 रुपए, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। 7-member expert the panel added by VV Green National Labour Institute, right? तो fellow जो इसकी अनुप मैं कह सकता हूं कि सतपाथी है, तो ये आपको जानकारी दे देता हूं मैं यहां पर। नेशनल मिनिमम वेज निर्माण के लिए कार्य करने का निर्धारण तथा शीर्षक अपनी रिपोर्ट के अनुसार 315 रुपए प्रतिदिन या 8,892 रुपए लेकर प्रति माह है, न्यूनतम मजदूरी 9,750 रुपए की सम्मान राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की सिफारिश की है, राइट। 5 क्षेत्रों के लिए हर महीने 11,622 रुपए
पूरक हाउस रेंट अनाउंस के साथ में शहरी जो क्षेत्र में 1430 रुपए और मजदूरी में 3.6 इंपॉर्टेंट फिगर है ये आपका, ठीक है 3.6 है जो इसमें परिवार है वो क्या है रहते हैं, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे जानकारी आपको क्या दी गई है वो देखते हैं 149 के अंदर। केंद्रीय विज्ञान और औद्योगिकी मंत्री पृथ्वी विज्ञान, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंस एंड एनवायरमेंट डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, राइट, डॉक्टर हर्षवर्धन इनोग्रेटेड इंडिया फर्स्ट द एग्रोमेट फोरकास्ट इंटर सेंटर इन विच स्टेट, कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंस एंड एनवायरमेंट डॉक्टर हर्षवर्धन इनोग्रेटेड द नॉर्थ कर्नाटका द एग्रोमेट फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सेंटर जिसे हम NKAFB कहते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। और आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, ये रहा स्क्रीन पर, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर जिसे हम CBDT कहते हैं, ठीक है, नए अध्यक्ष के रूप में किसे है, क्योंकि यहां से तो सुनील चंद्रा को इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया और इनकी जगह पर किन्हें रखा गया, इनकी जगह पर रखा गया प्रमोद चंद्रा मोदी को, राइट, प्रमोद चंद्रा मोदी को इनकी जगह पर लेके आए हैं। तो गाइज एडिशनल फैक्ट इसके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सबने टाइम दिया, मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन बहुत अच्छा होगा और इस सेशन के जरिए आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। और अगर आप में से सही ईमानदारी से किसी ने रेगुलर सेशन को देखा है तो प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।